वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आप घर पर ही अपना फेशियल किट कैसे तैयार कर सकते हैं। घर पर ही फेशियल किट तैयार करने का मतलब ये होता है कि आप अपने कुछ घर के इंग्रेडिएंट से ही, घर का मतलब किचन इंग्रेडिएंट नहीं है यहाँ पर मेरा मतलब, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जो कि फेस के लिए काम आए, उन इंग्रेडिएंट से आप घर पर ही एक फेशियल किट तैयार कर सकते हैं और अपने घर पर ही फेशियल कर सकते हैं। आपको मार्केट के किसी भी फेशियल किट की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इसको लगातार यूज कर सकते हैं, आपकी स्किन को ये डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि फेशियल कई बार होता है कि महीने दो महीने में एक बार करने की चीज होती है और इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि स्किन डैमेज हो जाती है। जबकि इस फेशियल के साथ आपको ऐसा नहीं होगा, आपकी स्किन बहुत ज्यादा यूथफुल लगेगी, ग्लोइंग लगेगी, जितने भी व्हाइटर्स ब्लैकर्स है वो निकल जाएंगे, स्किन के दाग धब्बे हटेंगे, मॉइस्चराइजेशन इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा, क्लियर ग्लोइंग स्किन बनेगी इस फेशियल किट से। तो चलिए देख लेते हैं इस फेशियल किट को कैसे तैयार करना है। सबसे पहले हम एलोवेरा जेल लेंगे और एलोवेरा जेल बनाने के लिए हमें फ्रेश एलोवेरा चाहिए। ध्यान रखिएगा ये जो फेशियल है फ्रेश एलोवेरा से ही करेंगे, मार्केट का एलोवेरा हम नहीं लेंगे, उससे वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा जो फ्रेश एलोवेरा से आ पाएगा। ध्यान से देखिए मैंने कौन सा एलोवेरा यूज़ किया है, आपको यही वाला एलोवेरा लेना है, क्योंकि एलोवेरा बहुत तरीके के आते हैं, 2200 से ज़्यादा प्रजातियाँ होती हैं और पता नहीं लगेगा आपको कि कौन सा आपकी स्किन के लिए एलर्जिक हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये एलोवेरा कैसे दिखता है। इसका जेल सेपरेट कर लेंगे और ब्लेंडर में इसको डाल लेंगे और हम इसको पीस लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे इसको। जब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे तो एक बहुत ही स्मूद पेस्ट हमारे पास आ जाएगा, या बोल लीजिए एक रनी पेस्ट आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे अपना स्क्रब। तो चलिए इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब तीन स्टेप होते हैं फेशियल के। सबसे पहले आप अपना मुंह धो लीजिए, आप किसी भी क्लिंजर से मुंह धो सकते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रब रेडी कर रही हूँ, उसके लिए मैं कॉफ़ी ले रही हूँ 2 चम्मच। आप एलोवेरा जूस के अंदर या जेल के अंदर कॉफ़ी मिक्स कर दीजिए और कॉफ़ी मिक्स करने के बाद इसको रख दीजिए साइड में, क्योंकि ये हमारा स्क्रब रेडी हो गया है, ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। और दूसरा हमें तैयार करना है मसाज क्रीम। तो मसाज क्रीम तैयार करने के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल। आप क्वांटिटी अपने अनुसार से ले लीजिए, जितना आपको चाहिए, 1 चम्मच 1.5 चम्मच। उसके अंदर हम मिलाएंगे हाइलुरोनिक एसिड और ये ज़रूरी होता है, साथ ही साथ वेजिटेबल ग्लिसरीन, क्योंकि ये स्किन को मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देना है, प्लम्प बनाना है, इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ ऐड की है। तो आप ही ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास हाइलु जेल है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही वाला हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करना है। थर्ड स्टेप आता है मास्क, उसके लिए हमने लिया है एलोवेरा जेल। उसके साथ मैं इसमें डालूंगी वाइल्ड टर्मरिक, ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है, आपके स्किन के ऊपर ग्लो लेके आएगा, दाग धब्बों को कम करेगा और फेशियल का जो मेन पर्पस होता है वो। काओलिन क्ले डालेंगे ताकि ये स्प्रेडेबल बने और एक मास्क हमारे स्किन से ऑयल एब्जॉर्ब कर पाए। तो ये रेडी हो गया हमारा मास्क। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं कि फेशियल करना कैसे करना है ये फेशियल हमको। तो ये घर की चीज़ों से ही आपका फेशियल तैयार हो गया है। आप अपना फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्क्रबिंग करना। और स्क्रबिंग करने के लिए जो हमने स्क्रब बनाया था उसे हम स्क्रबिंग करेंगे। मैं थोड़ा बताना चाहूँगी, कॉफ़ी ब्राइटनिंग के लिए जाना जाता है। अगर आपकी स्किन डल है, टैन हो गया है, स्किन में जान नहीं है, तो कॉफ़ी से अच्छा बेस्ट जो है एजेंट आप लोगों को नहीं मिल सकता है। और कॉफ़ी हर लोगों के घर में अवेलेबल होती है, आप कोई भी ब्रांड की कॉफ़ी ले सकते हैं। हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए, इससे स्किन पर क्या होगा, जो आपकी डेड स्किन सेल्स है वो निकलेगी और साथ ही साथ आपकी जो ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स है वो भी कम हो जाएंगे। आप क्लिंजर मैंने नहीं बनाया क्योंकि आप फेस वॉश नॉर्मल कर लीजिए, जैसा भी आप फेस वॉश यूज़ करते हैं। अच्छे से इसको मसाज करना है। एलोवेरा जेल आपके स्किन को मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा और ये ऐसा मॉइस्चराइजिंग होता है जो नॉन कॉमर्जेनिक होता है, आपके स्किन को प्लम्प करता है और स्किन को नरिशमेंट बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है, स्किन को हील भी करता है एलोवेरा जेल। उसके बाद मैंने फेस को वॉश कर लिया स्क्रबिंग के बाद। सेकंड स्टेप हमारा मसाज का आता है। तो मसाज के लिए मसाज बनाई थी, जो हमने क्रीम बनाई थी उससे हम स्टार्ट करेंगे मसाजिंग। डेफिनेटली मैंने इसको कट कर दिया है वीडियो को, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती। और जैसा भी मसाजिंग स्टेप होता है फेशियल में, आपके हाथ रुकने नहीं चाहिए और आप अपनी तरफ से नीचे से उठाते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाइए स्किन को और मसाज कीजिए। अंडर आई भी यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये रिंकल लिफ्ट भी करेगा आप लोगों की ब्राइटनिंग के साथ साथ। तो अगर दाग धब्बे हैं, पैचेज हैं कहीं पर भी, तो भी आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मसाज करेंगे, हाथ आपके रुकने नहीं चाहिए। आप दीजिए इसको, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड मिलाया है, ग्लिसरीन मिलाया है, तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा, जिससे आपका हाथ जो है ग्लाइड करेगा। तो अच्छा से टाइम दीजिए, 5 से 6 मिनट आप इसको आराम से दीजिए और मसाज करते रहिए इस क्रीम के साथ। और इस क्रीम से मसाज करने के बाद मैं अपना फेस वॉश कर लूँगी।
यहाँ काफ़ी टाइम हो गया है मुझे मसाज करते हुए, और आई थिंक मैं इसको काटना भूल गई हूँ, मैं वॉइस ओवर दे रही थी तब मेरे को पता लगा। अच्छा, तो आप ग्लो देख सकते हैं मसाज क्रीम के बाद, डेफिनेटली मैं इसको वॉश करके आ गई हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मास्क अप्लाई करना, और आप लोगों को पता ही हमने मास्क पहले बनाया था जैसे कि आपने वीडियो में देख चुके हैं, तो अभी मैं मास्क लगाना स्टार्ट करूँगी। और ये काफ़ी स्प्रेडेबल होता है, तो एक प्यारी सी जो पतली सी लेयर हम लगाते हैं वही लगानी होती है, ऑयल अब्सॉर्ब करेगा, स्किन के अंदर ग्लो लेके आएगा, पोर्स जो भी खुल गए हैं उन पोर्स को बंद करेगा। और ध्यान रखिएगा ठंडे पानी से वॉश कीजिएगा, गर्म पानी से हमें वॉश नहीं करना है। जी हाँ, स्क्रबिंग के बाद आप डेफिनेटली गर्म पानी से वॉश कर सकते हैं, लेकिन मास्क के बाद नहीं, तो कोशिश करिएगा ठंडे पानी से आप वॉश कर लें। और अगर नहीं है, गर्मियाँ बहुत हैं, टंकी के अंदर ही आपका गर्म पानी आ रहा है, तो बाद में आप आइस क्यूब मल सकते हैं चेहरे पर, ठीक है? तो आप अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, बहुत जल्दी सूख जाता है, 2 से 3 मिनट लगेंगे और इतना ही टाइम चाहिए होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वाइल्ड टर्मेरिक का ह्यू आता है, ऐसा नहीं है, आप अच्छे से वॉश कीजिए, नहीं आएगा। और ये मैंने मास्क अप्लाई कर लिया, फेस को वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं अच्छा खासा ग्लो है स्किन के ऊपर, और आप भी ये ग्लो देख पाएंगे अगर आप रेगुलर इस फेशियल को करेंगे। घर पर बना सकते हैं एलोवेरा जेल, एलोवेरा जो जूस बनाया है वो काफ़ी लंबा चलेगा, आप खरीद लीजिए। मार्केट का एलोवेरा यूज़ नहीं करना, एलोवेरा खरीदने की बात करिए, एंड आप देन आप लोगों को ये अप्लाई कर वीडियो सकते पसंद हैं। आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जो भी कुछ लिंक्स बनते होंगे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी आप लोगों की सहूलियत के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, बाय बाय।